हाई देर गाई ईद मुबारक टू यू ऑल फ्राम मी आज ईद है और मैं सुबह सुबह बैठ के आपके लिए बना रही हूँ यूजली मैं ईद तो सुबह नहीं उठती है बट यू नो वाई नॉट आई वॉन्टेड टू फिल्म ग्लैम लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला आई वॉज आउट सेलिब्रेटिंग चांद रात एनी वे आई एम टेकिंग माई एज एन आई वॉज आउट एट माई फैमिलीज नॉट जस्ट लाइक आउट आई एम आई एम पुटिंग हुदय ब्यूटी का ल्यूमिनस मैट फाउंडेशन दिस इज़ इन द शेड थ्री हंड्रेड लाटे एन विच इज़ न्यूट्रल और ये सिर्फ मैं मैं अपनी एक्निंग स्पॉट्स पर लगा रही हूँ एज अ स्पॉट कंसील समझ लें मेरी ये एक्निंग काफ़ी बेहतर है लेकिन ये स्पॉट्स हैं इसके तो मैं इस पर लगा रही हूँ बाय द वे मेरी ब्राउज किसी को अजीब लग रही है तो आज मैंने सोप ब्राउज हैं कियाली वोज थ्राउज आप लोगों को जो एन एक्जन वाली ब्राउज लगती हैं वो वाली ब्राउज मुझे चाहिए थी इफ़ यू गाइज लाइक माय लैशेस माय मॉम डिड दीज फॉर मी और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी कर दें तो वो फिफ्टी ऑफ़ पे कर रही हैं अभी लैशेज़ आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर डी करें और इन शह मैं मामा के साथ फिर एक सेश आपके लिए अरेंज कराती हूँ और मैं भी आपको आके मिल लूँगी मामा के घर वुडन दैट बी नाइस सो एनी वे ये यहाँ पे स्पॉट कंसील हो गया है मेरे हिसाब से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टप 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 ब्लेंड कर रही करी एंड वट आर यू गाइज़ डूइंग फॉर ईद और कितने लोग यहाँ पे मेरी तरीके से डिफरेंट मेकअप ट्यूटोरियल्स बैठ के देखेंगे कामेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो दिस इज़ दी एलिगल प्रो मैट फाउंडेशन इन दिस शेड बेज ये मैं लगा रही हूँ ऑल ओवर माई फेस ये थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन से बट ये मैं इसीलिए लगा रही हूँ बिकॉज यू नो ईद पे मैं चाहती हूँ कि मेरी शक्ल में नूर आए तो दोनों ये फाउंडेशन मिक्स करके ना काफ़ी अच्छा सा एक ब्राइट सा कलर बनता है दैट आई रिली एन्जॉय बट दिस फाउंडेशन इज़ सो मैट यू गाइज़ के अभी आप देखेगा अभी मैं यहाँ से मामा के घर जाऊँगी फिर रात में मुझे एक और जगह डिनर पर जाना है आई फील लाइक इट्स गोइंग टू लास्ट हीयर इट्स गोइंग टू लास्ट देयर इट्स इज गोइंग टू लास्ट आई थिंक एनी हो तो ये हम लगा रहे हैं गाइज़ आई डोंट नो वाई आई एम लाइक गेनिंग वेट लाइक आई हेयर इट आई एम नॉट ईटिंग इतना ज़्यादा लेकिन आई एम नॉट ऑल्सो वर्किंग आउट मुझे बहुत बुरा लग रहा है एनी वे अच्छा आज ईद है आज हम वेट गेन की बात नहीं करते ओके सो okay, so ये है मेरा लाटे थ्री थ्री वन में मोर देन अ कंसीलर बाई लॉरियल आई रियली लव इट इससे मैं आ, अंडर आई पे लगा रही हूँ और ब्लेंड आउट कर रही हूँ और मैं पता है इतनी जल्दी जल्दी ये काम कर रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे मतलब ऑब्वियसली सीध कोई मेहमान ना आ जाए कोई मुझे बुला ना ले किसी काम के लिए फिर ये वीडियो रह जाएगी आ, और जो कंसीलर मैं अंडर आई पे लगा रही हूँ वही मैं ऊपर भी लगा रही हूँ लिट पे लिट को प्राइम करने के लिए आई रियलाइज़ज लास्ट वीडियोज़ में आई फॉर गॉट टू डू दिस मेथड लाइक आई जस्ट फॉर गॉट अबाउट इट मैंने तीन चार मेकअप वीडियोज़ देखी फिर मुझे दोबारा याद आया कि ओह ये भी करना होता है तो इट रियली मेक्स ए डिफ्रेंस अब मैं जेनीस का अपना पाउडर ले रही हूँ विच इज़ अ लिटिल डार्कर देन वॉट माई स्किन इज़ राइट नाउ बट इसको लेकर यह मैंने लगाना है अच्छा uh, बाईद इस पूरी वीडियो में जो है ना लाइटिंग बहुत हर जगह चेंज होगी Uh, इसीलिए आप अगर मेरी साइड राइट साइड पे देखें तो आपको बहुत ज़्यादा एक्नी पिटेड स्कार्स नज़र आ रहे हैं हालांकि इतने स्कार्स नहीं हैं थोड़ा सा टेक्सचर है बट uh, मैं उसके आगे विंडो के आगे कर रही थी और फिर क्लाउडी हो गया था फिर मुझे रिंग लाइट ऑन करनी पड़ी फिर उसके बाद मुझे बैक लाइट ऑन करनी पड़ी बस पता नहीं इस कमरे की ना अभी तक लाइटिंग मुझे समझ नहीं आई है टू बी ऑनेस्ट वो जो मेरा लास्ट कमरा था ना उसकी मुझे समझ आ गई थी अभी इट्स गोइंग टू टेक मी अ अवाइल तो जी जल्दी से इसको पैड कर लेते हैं अब ये देखिए एनक वॉलर्जन वाली ब्राउज बनाने के लिए आपको चाहिए ये एम एन एस की पेंसिल ये देखिए थी छोटी सी मेरी रह गई है दिस इज़ हाउ मच आई लव इट यू कैन गेट इट फ्राम फायर ग्लो फॉर जस्ट लाइक आई थिंक हंड्रेड रुपीज़ आई डोंट नो सस्ती है काफ़ी बट रियली रियली नाइस सो आई एम जस्ट डूइंग माई ब्राउज विद इट अच्छा यू कैन जस्ट डू अ वेरी लाइट फिल और आपकी सो ब्राउज बन जाएंगी या फिर आप मेरी तरीके से यू you नो know, आई जस्ट वॉन्ट इट थिकर ब्राउज दैट सो आई डू इट तो यू कैन गो ऑल आउट लाइक मी और यू कैन जस्ट डू अ लाइट फिल नीचे से और ये भी आप कर सकते हैं लेकिन यू नो आई एम एक्स्ट्रा 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 सो अब ये देखें ये मैंने की है और मैंने रियलाइज़ किया है कि थोड़ी सी सिमिलर नहीं लग रही है तो मैं उसको जो ना मनूवर करी कि वो सेम लगे फिर मैंने कहा हाई अल्लाह ये क्या हो गया आ, फिर मैंने कहा चलो इसको क्लिन करते हैं क्लिनप करना भी ज़रूरी है क्या कर सकते हैं सो क्लिनिंग इट गाइज आई डोंट नो लाइक मैं वॉइस ओवरस करना मेरी मजबूरी है आजकल आ, मुझे गर्मी लग रही होती है ए सी और पंखा दोनों ऑन करना पड़ता है फिर पंखे से आपको पता है ऑडियो ख़राब हो जाती है so जब तक गर्मी चल रही है प्लीज़ वॉइस ओवर्स के साथ ही गुजारा करें क्योंकि मेरा लास्ट कमरा ना काफ़ी छोटा था दूसरे घर में इस घर में काफ़ी बड़ा है तो वो इतना कूल नहीं होता ए सी से नया ए सी लेना पड़ेगा शायद आई डोंट नो एनीवे anyway, वे तो ये मैं अपनी ब्राउज़ क्लीन कर रही हूँ उसी कंसीलर से थोड़ा सा नीट लुक लाने के लिए वैसे आई लाइक माई ब्राउज चमकी चमकी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है आई नो आई नो बट आई लाइक इट अच्छा ये मैंने कर दिया उसके बाद जी मैं कर रही हूँ क्या कर रही हूँ यहाँ पे कॉन्टोर कॉन्टोर कर रही हूँ पता मुझे अभी तैयार भी होना है मेरे बस दिमाग में यही चीज़ें घूम रही हैं कि ये वीडियो तो मैंने बना ली बट आई वॉन्ट टू डू अ अंप्लीटली डिफरेंट मेकअप लुक तो मैंने तैयार भी होना है ये आई वेयर दिस इज़ लाइक नॉट प्लान मिर्जा जो है ना हर जगह पे ख़ुद ही पहुंच जाता है और मुझे तंग करने लगता है ख़ुद ही आ गया था पिछली वीडियो में भी आ गया था इस वीडियो में भी आ गया है मैं क्या करूँ इस इंसान का मुझे पता नहीं है आप लोग कोई सोल्यूशन बताएँ एनी अदर लाइक लो कैट हेम any other like bloggers or you know people who make videos out there जिनके मियाँ इस तरह के हैं नहीं करो लोग कहेंगे पागल हो तो पता नहीं अब अब तो पता नहीं आई थिंक स्ट्रेट अप लड़ाई हो रही थी कि भाई जाओ 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 वो देखें पीछे से भी चीजें फेंक रहा है मुझे मतलब शर्म तो गुजरी नहीं है ना छूके बंदे को मैं यही कह रही थी कि के, लोग कहेंगे आप पागल हो गए हो लोग कहेंगे आप पागल हो गए हो ये देखें सारा मेरा कंट्रोल का मोमेंटम ख़त्म कर दिया इस आदमी ने अभी भी देखें मिरर के अंदर नज़र आ रहा है ये नहीं कि मतलब मैं तमीज़ से थोड़ा मतलब चला जाऊँ अपनी बीवी को वीडियो बनाने दूं नहीं भाई कैसे वीडियो में भी आना है और ये देखें लाइटे लाइटे लाइटें ऑन ऑफ लाइटें ऑन ऑफ करा कि मेरी लाइटिंग खराब हो जाए अच्छा ये मैंने जल्दी से आ, कंसीलर्स के साथ और इसके साथ थोड़ा सा क्लीन अप कर रही हूँ ठीक है उसके बाद वाट आर वी गन डू वी आर गना यूज सम ब्लश ये जेनीस का ब्लश है अच्छा पहले वो मेकअप रेवोल्यूशन की किट थी ये जेनीस कॉस्मेटिक्स का ब्लश पैलेट है इट्स रेली रेली नाइस और इसके ब्लश भी बहुत पिगमेंटेड है एंड आई एम जस्ट लोडिंग इट अप और फिर ये देखें लाइट से ब्लश कर रही हूँ मैं हल हाथ हल्का रख रही हूँ लेकिन ब्लश काफ़ी पिगमेंटेड है बाय फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे वो भी करना पड़ा था इवन आउट ये देखें पिगमेंट तो है जो बात है पिगमेंट तो है मानना पड़ेगा एनी वे कॉमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी इफ यू गाइज आर एंजॉइंग ऑल्सो बाई द वे नाइन्टी परसेंट ऑफ यू ऑल हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और आप मेरी वीडियोज़ देखा करें और आई डोंट नो लाइक आई आर्ट यू गाइज सब्सक्राइब लाइक वाट इज इट लाइक इज इट मी मतलब मैंने किया क्या है सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप लोग ऑल्सो आई जस्ट नोटिस मेरी ए सी के अंदर कोई क्रैक आ रहा है मुझे किसी को दिखाना पड़ेगा सॉरी देखिए मेरे फ्रेंड्स अब मैं आप वॉइस ओवर तो कर रही हूँ तो मैंने कहा अपने घर के मसाइल भी डिस्कस कर लूँ आपके साथ क्या जाता है अच्छा ये देखें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते 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 कितना मतलब क्लीन नीट लुक आ गया है ना वट यू गाई थिंक वाट यू गाई स्थिंक वट यू गाई स्थि लेट मी नो मैं द कामेंट्स बिलो अच्छा अब ना मैं लॉरियल का लिप ब्लश यूज़ कर रही हूँ इन द शेड प्रिटी पिंक और ये थोड़ा सा ना इसके अंदर शीन है जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैं एज अ हाइलाइटर यूज कर रही हूँ आई जस्ट वॉन्टेड दिस लुक टू बी वेरी बारबी डॉली एंड ग्लोई आई एम अबाउट टू स्नीज आई हेट दिस अच्छा जी ये हो गया अब सब कुछ ब्लेंड करने की बारी है दोबारा से लिटरली जस्ट नीज एंड बैक इन टू सेकेंड्स कॉज आई नीड टू गेट दिस वीडियो फॉर यू गाइज ऑलरेडी बारह बज रहे हैं पता नहीं कितने बजे अपलोड होगी ये तीन बजे होगी मेरे ख्याल से अच्छा ये मेरे पास एक पिंक कलर की पेंसिल है एंड इट इज़ बाई द ब्रांड स्वीट फेस इन द इन द शेड ज़ीरो नाइन कलर रश लिप एंड आई क्रे इसका नाम है ये मैं लगा रही हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं लाइनर लगाया करें लिप लाइनर आप बहुत गंदी लिपस्टिक लगाती हैं मैं तो लाइनर भी गंदा लगाती हूँ यार मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं मर जाऊँ मेरे को फीलिंग नहीं है ओ माई गॉड आई एम गोइंग टू क्रेंच सो बैड वॉचिंग दिस वीडियो सॉरी यू गाइज मैं बस आई एम वियर्ड ये एलिजाबेथ आर्डन की मैं लगा रही हूँ फ्लोरल पेटल थोड़ा सा लाइट कलर है टू ब्रिंग द यू नो द लाइटनेस यार मुझे नज़ला हो रहा है मुझे डर लग रहा है मुझे कुछ हो ना गया हो यू नो एकदम से नज़ला स्टार्ट हुआ है मुझे एनी वे ओके ये नेक्स्ट की बेयर बेयर है बी ए आर ई बेर बी ई ए आर बेर 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 ये मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा मिडल ऑफ माई लिप ताकि थोड़ा सा पाउटी लुक आ जाए और फिर इसको फिंगर से ब्लेंड 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 करते रहें अजीब अजीब शक्लें बनाकर एंड वाला लिप्स आर डॉन ओके अब मैं थोड़ा सा लिप्स को क्लीन करी साइड सेटिंग सो लेट यू गाइज अच्छा जी अब मैं ये वीडियो में आई मेकअप लुक पर आ रही हूँ मैं ये ऑरेंज ही कलर ले रही हूँ अपने चीची फ्रीडम पैलेट से एंड आई एम जस्ट रनिंग इट अक्रॉस माय इंटायर क्रीस सही है हल्का सा वॉश ऑफ कलर आएगा क्रीज पे उसके बाद हमने क्या करना है यू गाइज उसके बाद हमने ये अच्छा सा क्रीज पे करने के बाद आगे और मेकअप करना है ड और क्या करना होगा Um, तो उसके बाद हमने क्या करना है अच्छा से ये क्रीज पे हमारे ब्लेड हो जाएगा ठीक है आई एम सॉरी फॉर दिस वॉइस ओवर एकदम से मुझे ना ऐसा एलर्जी अटैक हुआ आई होप आई डोंट हैव कोविड और आई डोंट गिव एनी कोविड होना तो नहीं चाहिए लेकिन बस दुआ करें कुछ नहीं पता भाई किसी को भी कुछ भी हो सकता है ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर रही है आई विश आई हैव जस्ट पुट दिस एंड लाइक जस्ट गॉन माई वे एनी anyway, वे उसके बाद मैंने ब्राइट, ब्राइट पर्पली कलर लिया है क्योंकि मुझे ना पिंक और सिल्वर लुक चाहिए था माई like, okay, anyway. तो ये पिंक जो है मैं एंड्स पे लगा रही हूँ अपने आई के

अच्छा पिंक ही लगाए जा रहे हैं ओके ये भी ठीक है गाइस मुझे सीरियसली इस वीडियो के ड्यूरिंग एक अटैक हो गया एलर्जी का आई डोंट नो व्हाट टू डू अच्छा ये पिंक लगा लें जल्दी जल्दी पता है लास्ट टाइम मैं वीडियो में बोलना बंद हो गई थी और आप लोगों तो को लगा था कि कुछ ख़राबी आ गई है पर ख़राबी नहीं थी आई स्टॉप टॉकिंग ओके अब मैंने एक खाली ब्रश से उस पिंक को ब्लेंड कर रही हूँ तेज़ी तेज़ी से ब्लेंड ब्लेंड करें ब्लेंड करें ब्लेंड करें ब्लेंड करें उसके बाद मैं एक सिल्वरी शेडो ले रही हूँ सिल्वर और गोल्ड का मिक्सचर इसी पैलेट में से और मैं उसको ऑल ओवर द लेड लगा रही हूँ एंड यू कैन स्टॉप हियर इफ़ यू वांट टू लाइक दिस दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लुक सो जस्ट स्टॉप हेयर बट आई एम क्रेजी सो आई एम गोइंग टू पुट सम मोर ग्लेटर बिकॉज मैं पागल हूँ मुझे ग्लेटर पसंद है और मैं थोड़ी Um, चिचोरी हूँ मुझे दिखाना होता है कि आई एम केयरिंग ड्रेस्ट ऑफर ईद तो इसलिए आई फील आइक मेरे घर में सब तैयार होना स्टार्ट हो जाएंगे ना एल बी दी ओनली वन लेफ्ट बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट एंडिंग यू गाइज लाइक डर लगे क्योंकि ये वाला मेकअप लुक तो मैंने हटा दिया है इट डज़ नॉट गो विद माई आउट फिट टूडे बट यू नो इसको लगा लें अच्छे से अच्छा आप मुझे एक बात बताएं सब कमेंट्स में भाई आप क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं? मुझे सीरियसली बताएं मेरी क्या अच्छा नहीं लगता बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड जस्ट लेट मी नो आई कैन टेक इट आई कैन टेक इट ओके एक्सेप्ट फॉर मी बीइंग लाइक सुपर अनोइंग व्हाट एल्स डू यू गाइज नॉट लाइक ओ भाई लगा भी चुको मैं थक गई हूँ यहाँ पर बोल बोल कर <laughs> यूस्ट्रा डू <दू>? पास्ट यूस्ट्रा ओके ओके वाट आर वी डूइंग नाउ अब हम क्या कर रहे हैं अब हम क्या कर रहे हैं अभी हम बस ना उसका शेप सही करने की कोशिश कर रहे हैं पचास घंटों से ठीक है ब्लेंड ब्लैंड 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 ओके उसके बाद हम क्या कर रहे हैं उसके बाद ना हम लोग ये लाइनर लगा रहे हैं अगर आप देख रहे हैं मैं अपने लैश एक्सटेंशनस को पकड़ी हुई है क्योंकि वर कमिंग इन द वे बट ये लाइनर ना मैं थोड़ा बीच में से मोटा लगा रही हूँ जानबूझ के क्योंकि मुझे अपनी आंखों को राउंड शेप देना था बिकॉज ऑफ द लैश एक्सटेंशन कुछ ज़्यादा ही कैट आई शेप है अभी मेरा बट आई आस्क माई मॉम आई लाइक मुझे कैट आई शेप की लैशेज़ चाहिए सो शी वज लाइक ओके आई विल गिव यू कैट आई शेप लैशेज वट डू गाईज थिंक बाई द वे क्योंकि मैं तो जब से मामा ने ये स्टार्ट किया ना लैश एक्सटेंशन uh, का बिजनेस आई ऑलवेज आर लास्ट एक्सटेंशन ड्यू गा इज लाइक इट डू इज हेट इट वट डू गाईज थिंक मुझे बताएं मैं तो बेचारी उनके पास रोज़ जाके बैठ जाती हूँ उनके चरणों में क्या मेरी लैशेज और लगाएं और लगाएं और लगाएं आई एम रियली इन्जॉइंग लैश एक्सटेंशन अच्छा ये देखिए ये मेरे आ, किसकी ग्लिटर होती है हैंग फेंक की सिल्वर ग्लिटर है वो मैं लगा रही हूँ और ब्लेंड कर अच्छा सही इसमें मैंने मुंह पे भी लगा दी थी मतलब मैं इतना मुझे गुस्सा आता है ना अपने ऊपर कि मैं कोई काम करूं और मेरे मुंह पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना लगे समथिंग दैट्स नॉट सपोज टू बी देर ऐसा कभी हो सकता है नहीं आई एम सुपर क्लमजी लाइक आई नो वट इज रॉन्ग विद मी जब से मुझे आतनी हुई ना लगता है दिमाग पर भी उसका असर हो गया चीज़ें इतनी सही होती अच्छी मैं अपनी लैश एक्सटेंशन को ब्रश आउट करी थी दैट्स हाउ यू लाइक मेक दम स्ट्रेटर ब्रश दम आउट अगेन एंड अगेन एंड अगैन एंड देन आई एम टेकिंग दिस डेवीज की टू एंड वन पेंसिल एंड आई एम यूजिंग द सिल्वर एंड टू मेक गिव माई आईज एंड इवन मोर डॉल आई लॉक बिकॉज आई एम अ डॉल एंड आई I दैट <laughs> no नो आई know बिकॉज बस दिल कर रहा था बाल भी बनने का और इससे ना आँखें बड़ी 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 लगती हैं ठीक है उसके बाद में क्या कर रही हूँ क्या कर रही हूँ उसके बाद मैं काशीस का ये मस्कारा लेके कर लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ क्योंकि लैश एक्सटेंशन पे तो आप मस्कारा लगा नहीं सकते तो यू नो बाइवेगा इस बड़ी अच्छी चीज़ है आप हर वक्त तैयार लगते हैं लैश एक्सटेंशन के साथ और ये है मेरा लुक तो मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखा दूंगी मैंने झुमकियाँ पहनी है ये बस यही झुमके हैं बाय द वे और ये दुपट्टा था पेस्टल कलर का इसके साथ एंड या सी यू गाइज